हाय फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल ऑमलेट। इसके सामने में पिज्ज़ा बर्गर भी फीका है। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। पूरी रेसिपी देखिएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बर्तन में 2 चम्मच के आसपास मक्खन और 1 चम्मच तेल डाल दिया है और ये गर्म हो गए हल्का सा, तो इसमें हमने 3-4 हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है। हरी मिर्च को बस कुछ सेकेंड के लिए भून लेना है। और अब इसमें हमने 1 प्याज बारीक काटा हुआ डाल दिया है और इसे भी बस हम मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना। तो देखिए ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम चिकन है तो हमने बोनलेस चिकन लिया है जिसे हमने छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब ये चिकन को हमें 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है। और ये देखिए चिकन अच्छी तरह से भून भी गए हैं और पक भी गए हैं। इसे 5-6 मिनट हमने भून लिया है। चलिए अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सब्ज़ी। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं गाजर 1 और ये यहाँ पर 1 शिमला मिर्च ले रहे हैं। ये गाजर और शिमला मिर्च 1-1 दोनों मीडियम साइज़ के हैं जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। और इसे भी हम कम से कम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे सब्जी के साथ में। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। तो 1 टमाटर हमने मीडियम साइज़ का इसमें काट करके डाल दिया है और इसे भी हमने थोड़ी मिक्स करके इसमें थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1/2 छोटा चम्मच फ्रेशली कूटा हुआ काली मिर्च हमने डाला हुआ है। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर अपना जूस रिलीज कर दे। तो चलिए तब तक बाकी का तैयारी करते हैं। इधर हमने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने दूध लिया है। ये बड़ी साइज़ का कप है और इसमें हमने 1 चम्मच मैदा डाले हैं और इसमें हम ऐड करेंगे 1 अंडा। तो अंडा को फोड़ करके इसमें हम डाल दे रहे हैं और इसे हमें मिक्स करना है। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, 1 चुटकी के आसपास, ज़्यादा नहीं। तो चलिए नमक भी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स और गुठली वगैरह ना रहे। तो यहाँ पर ये देखिए चिकन तो पक चुके हैं। अब इसमें हमने थोड़े से चाट मसाला डालेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा चटपटी बन जाए और इसे हमें मिक्स कर लेना है। और इसे हमें ना एक शेप जैसा, गोल जैसा, रोटी जैसा, इसे हमें इस तरह से जिस तरह की इस वीडियो में बताया जा रहा है बस इसे थोड़ा सा बैठा लेना है और इसे शेप दे देना है। अब जो हमने घोल बना करके रखा है इसे एक जगह ना डालें, चम्मच की मदद से इस तरह से फैला करके डालिए। नहीं तो एक जगह डालेंगे तो जो चिकन को हमने शेप दिया है वो इधर से उधर हो जाएंगे। तो इस तरह से चम्मच की हेल्प से इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हमने लिया है उबला हुआ अंडा और इसे हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है। तो इसके ऊपर से आप जितना अंडा चाहे उतना बिछा सकते हैं और इसके ऊपर से चीज़ ऐड करना है तो आप अपने पसंद का चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अंडा के ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। और इसके ऊपर से थोड़ा सा चीज़ हम और ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। तो चलिए धनिया पत्ता हमने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, थोड़ा सा चीज़ भी डाल दे रहे हैं। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए इसे हमने ढक दिया है और इसे एकदम धीमी आंच पर हमें 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। आपका बर्तन अगर मोटे तले का नहीं हो तो नीचे आप एक और तवा लगा सकते हैं। और ये कुक हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुके हैं तो हमने इसे नीचे उतार करके थोड़े से धनिया पत्ते से गार्निश कर लिए हैं। और ये बिल्कुल भी चिपके नहीं, इस तरह से आप इजी से इसे निकाल सकते हैं। इसे आप पिज्जा की तरह एंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी ये कंप्लीट मिल है। आई होप आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।